हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए किसने $162 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? हु हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $162 मिलियन टू सपोर्ट टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? तो ये मंजूरी दी गई है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला। ओके, क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार बीइंग ऑर्गेनाइज बिटवीन द क्वाड कंट्रीज? तो ये मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है विशाखापट्टनम में। आंसर इज ए, 8 से 18 अक्टूबर के बीच में ये होने वाला है। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI? तो RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी के सदस्य बने हैं ये हैं डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य एंड प्रोफेसर राम सिंह। इन ये तीनों ही शामिल हैं। सो द आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। वेयर हैज़ जल सागर महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो जल सागर महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है रिसेंट में छत्तीसगढ़ में। आंसर इज सी। रिसेंटली द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सू ग्रे हैज़ रिजाइंड। सू ग्रे जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। आंसर इज बी। भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? तो ये किया गया है इंडिया एंड अमेरिका के द्वारा। आंसर इज ए। विच कंट्री विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया? तो कौन सी कंट्री है एक्सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को थ्रू इंडिया? तो ये कंट्री है आपकी नेपाल। हाल ही में DRDO ने वसुधरा डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वसुधरा का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द वसुधरा डिफेंस सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वसुधरा? तो ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आंसर इज ए। भारत सरकार के लिए के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेलहन कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है? फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज द नेशनल कमीशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो ये कुल 7 वर्ष के लिए किया गया है। ईरानी ट्रॉफी 2024-2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द ईरानी ट्रॉफी 2024-2025 टाइटल? तो ये टाइटल जीता गया है मुंबई के द्वारा और इन्होंने शेष भारत को हराया है। मुंबई के द्वारा ये 16वीं बार जीता गया है। इससे पहले मुंबई 15 बार जीत चुका था, ये 16वीं बार जीता है और मुंबई की ये जीत 27 साल के बाद मिली है। वर्ल्ड हैबिटेट डे विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 1st Monday ऑफ अक्टूबर को। आंसर इज डी। व्हेन वाज वर्ल्ड सेलिब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेटेड? तो सेलिब्रेट पाल्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को। आंसर इज बी। Who has recently won the Best Actress Award in 17th National Film Award? 17वें National Film Award में Best Actress Award मिला है मानसी पारेख को। Answer is C. Who has recently unveiled the new logo for Kumbh 2025? Kumbh 2025 के लिए new logo को unveil किया है, अनावरण किया गया है ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। Answer is C. हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? वेयर वॉज वर्ल्ड फर्स्ट बायोनिक आई जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम डेवलप्ड?
तो ये किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया में, आंसर इज बी। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक विल पे 1600 रुपीज करोड़ टू विच कंट्री फॉर कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक पे करने वाला है 1600 करोड़ रुपए, ये नेपाल को वर्ल्ड बैंक पे करेगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट गेल फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? तो ये बायोगैस प्लांट जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया? तो ये किया गया है झारखंड रांची में, आंसर इज बी। हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण हेल्ड? तो ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है दिल्ली में, आंसर इज ए। और इसकी थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। हाल ही में आईसीसी ने प्रवीण जय विक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, उनका संबंध किस देश से है? आईसीसी हैज बैंड प्रवीण जय विक्रमा, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से, आंसर इज सी। और इनको एक साल के लिए बैन किया गया है। हाल ही में श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक श्री राम इन तमिलगम? तो इसको लिखा गया है डॉक्टर डी के हरी एंड डॉक्टर हेमा हरी, डी के हेमा हरी के द्वारा, आंसर इज उपर्युक्त दोनों बोथ, आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.